constitution is the best guide. Our constitution is the best guide. We love to see lovely pray. We love to see lovely pray. Sweet memories will never fail. Sweet memories will never fail. On this day in the year 1950, India got its constitution. We live in a democratic country where people enjoy their freedom. And India is the best example of unity in diversity. It is a historic moment when our country became independent republic. As we all know, India got its independence on 15 August 1947. But it was governed by the rules implemented by Britishers. After many debates and amendments, Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft for Indian constitution in the year 1949. But it came into effect on 26 January 1950. By this, he is also known as the father of our Indian constitution. Republic Day is celebrated to show love and respect to all those who sacrifice something for our country and feel proud to be the part of it. Thank you. आज समस्त भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमें अपनी आजादी अंग्रेजों से उपहार स्वरूप नहीं मिली, इसके लिए हमारे पुरखों ने असंख्य बलिदान दिए हैं। इस बेशकीमती आजादी को पाने के लिए कई माओं ने अपने पुत्र बलिदान किए और कई सुहागिनों ने अपने सुहाग न्यौछावर किए। 1857 में स्वाधीनता संग्राम से लेकर 1947 तक असंख्य बलिदानों के बाद हमें स्वाधीनता जैसा अनमोल रत्न प्राप्त हो पाया। आजादी मिली पर हमारा अपना कोई संविधान ना था। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तब से हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो ध्यान लगाकर सुनो 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 क्या सुनो सुनो कौन हो तुम सब और क्या सुनाना चाहते हो? बोलो क्या सुनाना चाहते हो तुम लोग? मैं इस देश का संविधान हूँ। क्या आप और आप इस देश के संविधान के बारे में जानते हैं? नहीं 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 जानते ना? फिर तो बड़ी ही अफसोस की बात है कि आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हुए लेकिन फिर भी हमें हमारे संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों का हमें पता नहीं। तो आइए अब हम अपने संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला मौलिक अधिकार। पापा पापा क्या हुआ? मुझे दिल्ली जाना है। क्या दिल्ली जाना है? क्यों? मेरे विद्यालय की ओर से हम सभी को दिल्ली ले जाया जा रहा है। नहीं, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें इतने दूर नहीं भेज सकता। पापा प्लीज। नहीं, जाओ जाके अपना काम करो। पापा पापा। अरे मेरे लाल आ गया तू? हाँ पापा। कहाँ था? पापा दोस्तों के साथ खेल रहा था। एंजॉय किया? पापा बहुत। पापा मुझे दिल्ली जाना है पिकनिक में। दिल्ली जाना है मेरे लाल? हाँ पापा। बोल कितने पैसे चाहिए? पापा 10,000 रुपए। 10,000? ये ले बेटा 10,000। थैंक यू पापा। ये पापा ये क्या? आपने भाई को दिल्ली जाने के लिए पैसे दिए और मुझे नहीं? मुझे भी दिल्ली जाना है। खामोश, आवाज नीची। तुम एक लड़की हो, तुम्हें इतने दूर जाने का कोई अधिकार नहीं। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? मुझे भी तो आजादी का अधिकार है, मुझे भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या स्वतंत्रता का?